स्वर्ग कौन जाता है बताऊं? स्वर्ग जाने वालों के चिन्ह बताए जाते हैं संसार में, क्या है? चार चिन्ह हैं। पहला, दान प्रसंगो, दान में रुचि रखते यथाशक्ति। मधुराच वाणी, मधुर बोलते हैं। मैं मधुर बोल रही हूँ, सच्ची बताइयो, बताओ आप लोग तो जज करेंगे, तो फिर तो मैं स्वर्ग जाऊंगी पक्का। दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। जो पूजा पाठ करते हैं, जो मधुर बोलते हैं, जो दान करते हैं और जो ब्राह्मणों को खुश करते हैं। ब्राह्मण देव से काम तो करा लिया और लेकिन धन के समय आया, अरे आपने घंटे पूजे की बात की थी, 10 ही मिनट की है, इतना ही बनता, 500 रुपए लेके खिसक लो। आज सबसे ज्यादा देखिए, ब्राह्मण नहीं होंगे तो सनातन संस्कृति भी सेफ नहीं होगी। कथा कहने का अधिकार तो ब्राह्मण को दिया है। जितने भी यज्ञ आदि होते हैं सारा कार्य ब्राह्मण ही करते हैं। अब एक बात बताओ भैया, ब्राह्मण के परिवार नहीं है क्या? बोलो, उनके खर्चे नहीं है? आपके अगर लाखों रुपए महीने पे खर्च होते तो ब्राह्मण देव के खर्चे नहीं होंगे क्या? जो सारा समय आप ही को दे देंगे, आप ये बताओ, सारा समय सारा जीवन आप ही को दे देंगे, वो कमाएंगे कितने टाइम अपने बच्चों के लिए? तो आप वहां पे अपना सारा सिस्टम लगा के, माइंड लगा के, नहीं भाई 2 घंटे की बात हुई थी, आपने 1 ही घंटा काम किया है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं ब्राह्मण को असंतोषी बनाना और कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट न करना, कहीं ना कहीं ये है। और जब संतुष्ट नहीं होगा तो फिर दिल से दुआ तो नहीं देगा, बद्दुआ दे ना दे, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मतलब आप खूब बढ़ो खूब फलो, ये तो नहीं कहेगा ब्राह्मण, ठीक है, ऊपर से कुछ भी हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहती है। तो हमेशा दुआएं लीजिए, दुआओं को एकत्रित करिए, क्योंकि जब दवा काम नहीं करती है ना, तब दुआ काम करती है। तो हमेशा दुआओं को इकट्ठा करिए। और मैं तो कहती हूँ, जो भी आपके घर में कार्य करते हैं, जिनसे भी आप जो भी कार्य कराते हैं, जो आप तय करते हो ना भैया, उससे थोड़ा ज्यादा दे दिया करो, क्योंकि वो दुआएं हमारे बड़े काम आती हैं। शास्त्र कहते हैं कि रास्ता बताने वाला भी गुरु होता है, ठीक है। तो जो हमारे घर में काम करते हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं, आप सोचो उनके भी परिवार हैं, तो वो क्या महत्व रखते हैं सोचो। अगर वो नहीं हो और हमसे हो नहीं रहा है तो कौन करेगा? तो उन्हें जितना तय किया उससे थोड़ा ज्यादा करिए, तो इससे भगवान खुश होंगे और वो भी खुश होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, तो मैंने गीता का श्लोक बोला था कि भगवान कहते हैं अर्जुन के माध्यम से जो गीता में कहा है उसका पालन करिए। राम अवतार लेके जो जो मैंने जीवन में किया उसका पालन करिए, और अगर नहीं करोगे तो या शास्त्र विदिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गति। अगर अपनी मर्जी से जीवन जियोगे तो ना तो जीवन में सुख आएगा, न मन में शांति आएगी, और मरने के बाद परलोक में भी गति होने वाली नहीं है। तो सुख शांति की तलाश है तो क्या करना है? कहीं ना कहीं मर्यादाओं में रहना है।